नमस्कार, जयकावित संगी में आपका स्वागत है। आज बन रहा है पेपर पराठा, जो बहुत ही पतले होते हैं और स्टफिंग इसकी बहुत ही चटपटी। यह पराठा बनाने का तरीका भी बहुत अलग है, लेकिन आसान भी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और मेरी चैनल पर अगर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही में जो बेल आइकन है उसे दबाएं ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो आइए पेपर पराठा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 कप गेहूं का आटा लेकर उसमें स्वाद अनुसार नमक और पानी डालकर रोटी के लिए जैसा हम आटा गूंथते हैं वैसा आटा गूंथ कर तैयार कर लिया है। और यहाँ पे मैंने 500 ग्राम जितने आलू लेकर उसे उबाल लिया है और स्मैश करके तैयार रखा है। अब इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज, जिसे मैंने बारीक कट करके ले लिया है, वो डाल दूंगी। 1/2 इंच जितना अदरक कद्दूकस करके ले लिया है। 1 हरी मिर्च जिसे मैंने बारीक काट के ले ली है। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे लाल मिर्ची पाउडर का भी इस्तेमाल करने वाली हूँ, इसलिए मैंने 1 ही मिर्ची यूज़ की है। अब यहाँ पे 6 से 7 फुदीने के पत्ते अच्छे से धो के ले लिए हैं, उसे इस तरह से तोड़कर इसमें डाल देंगे। इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। 1 टीस्पून अमचूर पाउडर, 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, काली मिर्ची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। 1/4 कप धनिया पत्ता, बच्चों का मनपसंद चीज़, यहाँ पे ये प्रोसेस चीज़ मैं ले रही हूँ, इसे चीज़ी फ्लेवर दे रही हूँ, इसलिए इसमें हम चीज़ डाल रहे हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। 1/4 कप तो आपको जितना पसंद हो उतना डाल सकते हैं इसमें चीज़। मिक्स कर देते हैं। इस स्टफिंग को तीखा और चटपटा बनाएं, तब जाके हमारा पेपर पराठा एकदम टेस्टी बनेगा। अब लुई में से मैंने इस तरह से 2 बॉल्स, इक्वल साइज़ के 2 बॉल्स बना लिए हैं, और उसमें से मैंने ये चपाती बनाकर, रोटी बनाकर तैयार रखी है। अब 1 रोटी हम ले लेंगे और उस पर हम ये स्टफिंग कर देते हैं। ये स्टफिंग इस तरह से प्रेस करते हुए एक पतली लेयर स्टफिंग की हम इस पर बिछा देंगे। हल्का सा प्रेस करते हुए सभी ओर उसे फैला दें, और ये जो बाहरी किनारी है वो थोड़ा जगह छोड़ दे। अब हम ये जो दूसरी रोटी बेलकर तैयार रखी है वो उस पर रख देंगे, और उसे हल्के हाथों से प्रेस कर देना है। बस अब इस पर हम गेहूं का आटा डस्ट कर लेते हैं। नीचे भी और ऊपर भी, ताकि हमको बेलने में आसानी हो। और अब इसे हम अच्छे से हल्के हाथों से इसे बेल लेना है। जितना हो सके उतना पतला बेल ले। आप इससे बड़ा बनाना चाहते हो तो प्लेटफॉर्म पर भी बेल सकते हैं। तवी गरम हो गई है, हम इस पे ये पराठा डाल देंगे और दोनों तरफ से अब हम इसे सेक लेंगे। एक साइड से हमने अच्छे से सेक लिया है, और आप देख सकते हैं ये दोनों रोटियां सेपरेट होने लग गई है। ठीक है, अब दूसरी साइड हम सेक लेते हैं। इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे ही हम इसे सेक लेंगे। दूसरी साइड से भी सिक चुका है, हम इसमें तेल डाल देंगे। ये 1 टेबलस्पून जितना तेल यहाँ पे मैंने डाला है। आप बटर का भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टफिंग में हमें ये ध्यान रखना है कि आलू के जो लम्स बिल्कुल ना रहे, इसमें आलू के गांठे बिल्कुल ना रहे, क्योंकि इसमें जब हम स्टफिंग भरते हैं और उसके बाद उसे बेलते हैं तो
ये रोटी फट सकती है, और ये हमें पतली बनानी है, पतली बेलकर तैयार करनी होती है, इसलिए स्टफिंग हमारी एकदम स्मूथ होनी चाहिए। ये देखिए सेपरेट होने लग गया है, अब देख सकते हैं। दूसरी साइड भी होने देते हैं, उसके बाद इसे हम सेपरेट कर देंगे। तो ये ऊपरी लेयर हमारा क्रिस्पी बनकर तैयार होता है और अंदर का जो है वो बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी। अब चिमटे की सहायता से हम इसे सेपरेट कर देते हैं, इस तरह से हल्के हाथों से इसे ले लें, ये देखिए। और इसे हमें रोल करना है, इसे रोल करके सर्व किया जाता है, तो इस तरह से हम रोल कर देंगे और इसे सर्व करेंगे। इसे भी हम इस तरह से रोल कर देंगे और इसे सर्व कर देते हैं। ये देखिए कितनी पतली बनकर तैयार हुई है, इसलिए इसका नाम रखा गया है पेपर पराठा। तो आइए इसी प्रकार हम सभी पराठे तैयार कर लेते हैं। और एक टिप मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ये स्टफिंग एक रोटी में लगा लेते हैं तो, और दूसरी रोटी को हम इस तरह दोनों तरफ हम आटा लगा लेंगे और फिर इसको इस पर लगा देंगे और फिर स्प्रेड कर देंगे, और हल्के हाथों से इसे प्रेस करने के बाद हम बेल लेंगे। तो ये रोटियां जब हम सेपरेट करते हैं ना, तो सेपरेट करते वक्त आपको तकलीफ़ नहीं होगी, वो इजीली से आसानी से ये निकल जाएंगे। अब इसे आप बेल सकते हैं। तो पेपर पराठा हमारा एकदम तैयार है। दही में नमक, लाल मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर डाल के सर्व किया है। मैं इसका लुक अंदर से बताती हूँ। एक तो ये देखिए कितना पतला, जैसा इसका नाम है वैसा ही ये पराठा बनकर तैयार हुआ है, पेपर पराठा। और ये इसकी अंदर से इसकी स्टफिंग, और स्टफिंग हमने तीखी और चटपटी बनाई है तो ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है। आप इसे दही, हरी चटनी या मनपसंद डिप के साथ सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। टिल देन बाय।